अब तो बीजेपी में आप देख रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, मंत्री आपको रेवाड़ी जिले के किस तरीके देखते हो? 100 करोड़ की अकेला एक आदमी तो खा नहीं सकता। मॉरली जो है बनवारी लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। अब तो बीजेपी में आप देख रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, मंत्री आपको रेवाड़ी जिले के किस तरीके देखते हो? इसकी जाँच होनी चाहिए। 100 करोड़ का आखिर कहाँ चले गए? 100 करोड़ की अकेला एक आदमी तो खा नहीं सकता। मॉरली जो है बनवारी लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। भाई 100 करोड़ रुपया किस बात का वो खा गए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनकी बात को। तो मेरा यही कहना है कि जो मौजूदा वक्त है, देखो अग्निवीर योजना ये लेके आ जाते हैं, ठेके पे फौजियों को ले रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, बेरोजगारी यहाँ है, महंगाई यहाँ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ किया हो? चंडीगढ़ जो चुनाव का जिस तरीके का मेयर का जैसे आया कि ब्लड पेपर का, उसको आप किस तरीके देखते हैं? देखिए इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है, यानी कि कैमरे पे आ रहा है कि वो उसको बैलेट पेपर के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहा है, और हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट है उसको संज्ञान लेना पड़ा। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से सारे सिस्टम को काबू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन से इंडिया अलायंस के लोगों ने टाइम मांग रखा है ईवीएम मशीन के बारे में, और जो सुधार लाने चाहिए वीवीपैट के बारे में, आज तक इलेक्शन कमीशन ने इंडिया अलायंस को टाइम नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक नहीं है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी आप देखिए शुभ अपना हेमंत सोरेन जो है उनको दिल्ली पकड़ना चाह रहे थे ताकि वहाँ पर तोड़फोड़ कर दें झारखंड, वो 1300 किलोमीटर गए हैं, जबकि उनको कह रखा था कि मैं 31 तक मैं आपको अवेलेबल हूँ, 31 तक कभी आप आ जाइए, तारीख दी नहीं, और उनको वहाँ अरेस्ट, उनको वो प्लेन छोड़ के गाड़ी जाकर वहाँ उनने मीटिंग करी है अपनी, सारे विधायकों को इकट्ठा किया है, और उसके बाद वहाँ इनकी औंधे मुँह गिरे हैं, सरकार हमारी वहाँ बच गई। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की क्या वैल्यू है? आज के दिन नीतीश कुमार की JDU नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जो उनकी जो कार्यकलाप हैं, आदमी जो एक बार कर ले, दो बार कर ले, 5-5 दफा धोखा देना, इससे शर्मनाक बात इतिहास में नहीं हो सकती। और जो काम इसने जो किया है, जो आपका इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर है चंडीगढ़ का, ये तो लोकतंत्र की हत्या है।